टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते क्या हैं, इनकी होने की क्या वजूहत हैं, इनको घर पे कैसे ट्रीट किया जा सकता है और मेडिकली इनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ब्लैक हेड्स बेसिकली अगर आपका एक्सेसिव सन एक्सपोजर है या हार्मोनल चेंजेस है आपकी बॉडी में, और इसके अलावा अगर आप जंक फूड के शौकीन हैं, ऑयली फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके ओपन पोर्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ क्लॉट हो जाती हैं। एक्सेसिव सन एक्सपोजर में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से आपकी इम्प्योरिटीज़ क्लॉट हो जाती हैं, उसके बाद वो डार्क स्पॉट्स में टर्न आउट हो जाती हैं। वाइट हेड्स बेसिकली क्लोज कॉमेडोन्स होते हैं, यानी आपके ओपन पोर्स में जो इम्प्योरिटीज़, बैक्टीरिया, डेड स्किन जो क्लॉट हो जाती है, क्लॉग होने के बाद वो एक कॉमेडोन्स की शक्ल में आ जाती है, और कॉमेडोन्स को हम कहते हैं वाइट हेड्स। अगर आपका एक्सेसिव सन एक्सपोजर है, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग या ऑफिस गोइंग पर्सन है और आपका एक्सपोजर ज़्यादा है सन से, तो आपको चाहिए आप सनब्लॉक अप्लाई करें, SPF 50 प्लस या 100 प्लस जो आपको सूट करे। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होती हैं जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड के शौकीन हैं, तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड की तरफ आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस है, उसकी वजह से भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, आपको मंथली बेसिस पे चाहिए कि आप कोई अपना एक्सफोलिएंट यूज़ करें या फिर एक ऐसा ट्रीटमेंट लें जो आपकी स्किन को डीप क्लेंस और एक्सफोलिएट करे। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप अच्छे ब्रांड का नोज़ स्ट्रिप ले सकते हैं। नोज़ स्ट्रिप अप्लाई करने के बाद आप उसको 15 टू 20 मिनट्स के बाद उसको पील ऑफ कर सकते हैं। पील ऑफ करने के बाद आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और डेड स्किन रिमूव हो जाती है। उसके बाद आप राइस फ्लोर में हनी, योगर्ट और एलोवेरा जेल एड ऑन करके आप उसको एक पेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं और उसका मास्क अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपके ओपन पोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ताकि मजीद वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स कॉज ना हो। इसके अलावा आप घर पे मड मास्क या क्ले मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट फॉर्म में आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, 15 टू 20 मिनट्स के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके ओपन पोर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मिनिमाइज होंगे और आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी। अगर आपकी स्किन बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है और टी जोन आपका ऑयली रहता है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग को आप सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मेल्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है। उससे क्या होगा, आपके सीबम प्रोडक्शन भी कंट्रोल में आएगा और अनइवन स्किन टोन भी बेहतर हो जाएगी। ब्लैक एंड वाइट हेड्स मोस्ट कॉमनली आपके टी जोन एरिया में हो जाते हैं, जिसमें फॉरहेड या फिर चीक्स या नोज और चिन एरिया आ जाता है। मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्राफेशियल आ जाता है। हाइड्राफेशियल आपकी स्किन को डीप क्लेंस आउट करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, ओपन पोर्स में इम्प्योरिटीज या बैक्टीरिया, डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा। हाइड्राफेशियल से आपकी स्किन डीप क्लेंस हो जाएगी, एक्सफोलिएट हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ और डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद RF टाइटनिंग फेशियल है, जो आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा। यानी जो हाइड्राफेशियल से ओपन पोर्स में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और बैक्टीरिया या डेड स्किन रिमूव हो जाती है, उसके बाद जो ओपन पोर्स को टाइटनिंग के लिए हम RF कोलेजन या RF टाइटनिंग फेशियल करते हैं, जो आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा। उसके साथ साथ आपके स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करेगा ये ट्रीटमेंट, और आपकी अनइवन स्किन टोन को बेहतर करेगा। ये ट्रीटमेंट आप मंथली बेसिस पे करवा सकते हैं। ये आपकी स्किन को डीप क्लेंज आउट और एक्सफोलिएट करने के साथ साथ आपकी स्किन पे मजीद ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने से रोकेंगे। उसके साथ साथ आपकी स्किन को मजीद फ्रेश करेंगे, जिससे आपकी स्किन ग्लोई और फ्रेश लगेगी। इफ़ यू गाइज आर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर योर स्किन प्रॉब्लम्स, विजिट अस एट हैश क्लिनिक्स। थैंक यू।